Sextant is an optical instrument that is used for the measurement of angles of elevation, angle of elevation, heights, etc. ये बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें इसका डिटेल्स हम बता रहे हैं। इसमें मेन इसका जो टर्म है सेक्सटेंट, इसको बोलते हैं। जैसे एक सर्कल होता है, उसका एक क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट माने 1/4। सेक्सटेंट का मतलब ये होता है कि ये जो है, इसमें एक सर्कुलर स्केल, जो तुम्हारा डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो, एक तुम्हारा यहाँ पे स्केल है। रुक जाओ, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर, यस सर। ये जो है, ये तुम्हारा है, ये कलर भी वही हो गया जो इस डायग्राम का है, जान दो। ये जो है, ये तुम्हारा एक सर्कुलर स्केल का 1/6 है, माने जो सर्कल होता है तुम्हारा, जो ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग एंगल पढ़ते हो, सर्कल में इसका 1/6 पार्ट है, इसीलिए इसको सेक्सटेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रेजुएटेड सर्कुलर आर्क होता है, दैट इज अबाउट 60 डिग्री, और इसके दो फिक्स्ड आर्म्स होते हैं, ए एंड बी। ए एंड बी जो है तुम्हारे फिक्स्ड आर्म्स है। द सर्कुलर स्केल, द सर्कुलर स्केल is about 60 degrees and has two fixed radial arms A and B. A and B, ये दो रेडियल आर्म्स होते हैं इसमें, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल होता है इसके बीच में, इसलिए सिक्सटेंट बोलते हैं। और इसमें जो है, एक थर्ड आर्म होता है इसका, दैट इज द आर्म सी। इसका मेन जो है स्ट्रक्चर तुमको समझ लेना होता है। इस आर्म को बोलते हैं इंडेक्स आर्म। ये जो इंडेक्स आर्म है, ये सर्कुलर स्केल के ऊपर मूव कर सकता है, इट कैन मूव ऑन द सर्कुलर स्केल। इंडेक्स माने समझते हो, इंडेक्स? हेलो, अरे इंडेक्स माने समझते हो? अरे हाँ कि ना बोल दो भाई, जल्दी से। सर संकेत, वो तो साइन होता है। हाँ, एक तरह से, हाँ, एक साइन ही होता है, ठीक है। अब इसको क्यों साइन या इंडेक्स आर्म बोलते हैं, वी विल सी टू दिस। सी जो है, सी इज एन इंडेक्स आर्म, इसको इंडेक्स आर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम लोग देखेंगे। इंडेक्स आर्म सी जो है, वो इंडेक्स आर्म है। और ये इंडेक्स आर्म जो है, इंडेक्स आर्म व्हिच इज कैपेबल ऑफ मूविंग ऑन द सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल के ऊपर जो है, ये मूव कर सकता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो है, देयर इज एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ दिस वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल, ठीक है। ये जो तुम डायग्राम को देखो, ये जो सर्कुलर ग्रेजुएटेड स्केल है, इसके ऊपर ये मूव कर सकता है, दैट इज द इंडेक्स आर्म। ये सूचक है, इंडिकेटर है। इसके ऊपर जो स्केल लगा होता है, दैट इज अ वर्नियर स्केल, एक साइड में लगा होता है, और एक साइड में एक प्लेन मिरर लगा होता है, M1 डायग्राम में दिख रहा है। हम एक और डायग्राम तुमको देंगे, दे देते हैं, मिलता है तो। डायग्राम दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। तो इसके ऊपर जो है, इस इंडेक्स आर्म के ऊपर एक वो लगा होता है। ये तुम्हारा जो डायग्राम, इसी तरह का एकदम तुम्हारे वहां पे भी सेटअप है, तो समझ लो तुमने इसको देख लिया तो उसको भी देख लिया। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है? यस सर। ये तो एकदम नया चमकता हुआ है।
ये जो इंडेक्स आर्म है, इंडेक्स आर्म है, इस इंडेक्स आर्म के ऊपर, इंडेक्स आर्म हैज ए वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल एट वन एंड एंड ए मिरर एट द अदर एंड। दूसरे एंड में जो है मिरर होता है, ठीक है, इसको इंडेक्स मिरर बोलते हैं। दिस मिरर इज कॉल्ड इंडेक्स मिरर, दिस मिरर इज कॉल्ड इंडेक्स मिरर, इसको इंडेक्स मिरर बोला जाता है। प्लेन मिरर होता है, ठीक है। तो ये जो आर्म है इसमें कई सारे स्क्रूज होते हैं, पेच होते हैं। ये आर्म के ऊपर एक क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू होता है, माने इसको इसका मतलब ये है कि इसको जो है किसी भी हम डिजायर डायरेक्शन में फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें स्क्रूज का अरेंजमेंट दिया जाता है, पहले बता ले फिर लिखते हैं। तो प्लेन मिरर M1 जो है, ये प्लेन मिरर M1 इज ओरिएंटेड इन सच ए मैनर दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द आर्क। आर्क माने ये जो 60 डिग्री का है, ज्योमेट्री में पढ़े होगे आर्क, पढ़े हो कि नहीं, ARC आर्क। यस सर क्या मतलब यस होता सर है आर्क का, क्या मतलब होता है? रेडियस इनटू थीटा होता है सर सर आर्क आर का मतलब होता है सर, आर्क का मतलब होता है जो सर्कल है उसका कितना पोर्शन है, और उसको जो है हम लोग एल यस बराबर सर के आर बाई सर्कल का थीटा कोई करके निकालते हैं, ठीक है, मैंने उसको उसका यस सर कितना थीटा इज इक्वल हिस्सा टू हम ये देख फाई रहे है हैं। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री का देखते हैं। तो प्लेन मिरर जो है कुछ इस तरह से ओरिएंटेड होता है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द आर्क। इसमें एक दूसरा मिरर भी होता है M2, इसको बोलते हैं होराइजन मिरर या होराइजन ग्लास। ये जो आर्म ए है उसमें ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। और इस मिरर की खास बात ये होती है कि इसका जो निचला हिस्सा है दैट इज सिल्वर्ड, और ऊपर वाला हिस्सा जो है दैट इज ट्रांसपेरेंट। इंडेक्स मिरर इसको M1 कहते हैं। M1 इज सो ओरिएंटेड दैट इट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द आर्क। दिस मिरर M1 इज मूवेबल एंड कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज। इसको स्क्रूज के जरिए जो है M1 को हम एडजस्ट कर सकते हैं उसकी पोजीशन को, ठीक है। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, डिटेल्स इसका वर्किंग बताएंगे। देयर इज अनदर मिरर M2 व्हिच इज अटैच्ड टू आर्म ए एंड इज फिक्स्ड। ये फिक्स्ड होता है। M2 इज कॉल्ड होराइजन मिरर। होराइजन माने समझते हो, मेन चीज इसमें यही है। होराइजन माने समझते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। होराइजन सुना हो, यस सर क्या होता है होराइजन? यस समांतर क्या हम तुमको एक सर एक डायग्राम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता जी नहीं, है सर यहाँ पे सेम एक्सिस हम तुमको एक डायग्राम दे रहे हैं, और इस डायग्राम का बहुत सारा यूज है। होराइजन मतलब होता है ये डायग्राम। इस डायग्राम में तुमको क्या दिख रहा है? पानी है, उसके ऊपर आसमान है, दिख रहा है ना? यस सर तो दो अलग अलग चीजें तुमको दिख रही है। यू कैन सी टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज द रिवर और वाटर, अनदर इज द क्या बोलते हैं उसको, स्काई। और ये वर्ड होराइजन जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। M2 को जो है होराइजन मिरर बोलते हैं, और ये फिक्स्ड होता है, ये मूवेबल नहीं होता, ठीक है।
होराइजन मिरर की खास बात क्या है, इसका निचला हिस्सा जो है वो सिल्वर्ड होता है। M2 has its lower part silvered, while the upper part is transparent। बिल्कुल इसी तरह का होता है, जो तुम्हारे बगल में फोटो है ना, इसी प्रकार का होता है। नीचे जो है वो क्या है, सिल्वरिंग की हुई है, ऊपर जो है ट्रांसपेरेंट है। तो दो अलग अलग चित्र तुमको दिखते हैं। कैसे दिखते हैं हम लोग हमारे इंस, ठीक है। तो इस मिरर का जो प्लेन होता है ये भी सर्कुलर आर्क के परपेंडिकुलर होता है। और अपने ये डायग्राम में देखो, इसमें एक छोटा सा टेलीस्कोप तुम्हें दिख रहा होगा। टेलीस्कोप ये कहाँ पर है, यहाँ पे ये जो टी है दैट इज टेलीस्कोप, और यहाँ पे जो ये सोने जैसा चमक रहा है दिस वन इज टेलीस्कोप। ये वाला जो है, हम यहाँ पे खाली टी लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है उतनी, टी है, दिस इज द टेलीस्कोप, ठीक है। और इसी टेलीस्कोप से ही जो है हम सारा खेल खेलते हैं, मतलब देखते हैं। M2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द आर्क एंड देयर इज ए टेलीस्कोप। इसी टेलीस्कोप से हमने देखना होता है चीजों को, क्या देखना होता है आ रहे हैं। ये टेलीस्कोप जो है ये आर्म बी के साथ फिट किया होता है विथ इट्स एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द होराइजन ग्लास। टेलीस्कोप टी विच इज फिक्स्ड ऑन द आर्म बी एंड इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द होराइजन मिरर। ये होराइजन मिरर के जो है परपेंडिकुलर होता, ये अरेंजमेंट होता है, छोटा सा अरेंजमेंट होता है, पोर्टेबल होता है, कोई तार वार का झंझट नहीं है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये जो टेलीस्कोप है इसका काम क्या होता है कि ये डायरेक्ट रेज जो है ये रिसीव करता है। क्या, कहां से रिसीव करता है? M2 के ट्रांसपेरेंट पोर्शन से रिसीव करता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये ट्रांसपेरेंट रीजन M2 का एक हिस्सा ट्रांसपेरेंट है, एक हिस्सा जो है वो सिल्वर्ड है। तो वो जो है लाइट रिसीव करता है थ्रू द ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ M2 एंड ट्वाइस रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम M1 एंड M2। रिफ्लेक्शन जो है ये M1 से होता है, ये M2 से रिफ्लेक्शन होता है, तो ये डायरेक्ट रेज ले रहा है M2 से और दो टू टाइम्स रिफ्लेक्टेड रेज ले रहा है M1 एंड M2 से। इसी प्रकार का इसका कंस्ट्रक्शन होता है और इसी कंस्ट्रक्शन पे इसका वर्किंग है। द टेलीस्कोप रिसीव्स डायरेक्ट रेज फ्रॉम द मिरर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल मिरर या होराइजन मिरर, हॉरिजॉन्टल बोल दिया हम, होराइजन मिरर M2 एंड ट्वाइस रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम M1 एंड M2। दो बार ये जो डायरेक्ट रेज इस ऑब्जेक्ट से आ रहा है M2 के थ्रू फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पार्ट, फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल मिरर, और इसके बाद इसका दो रिफ्लेक्शन होता है, एक M1 से एक M2 से। सो दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का बेसिक अरेंजमेंट जो है कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है और इसका यूज क्या है, कैसे कैसे इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, हाइट मापने के लिए और क्या क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ एलिवेशन मापने के लिए, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन।